दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक 65+ लेक्चर्स को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है, और ये सीरीज जो है हिंदी मीडियम को लेकर भी चल रही है। इसके बाद यही सीरीज जो है इंग्लिश में भी मेरे द्वारा ही आएगी। अभी तक अगर हम बात करें, बैंकिंग की सीरीज हमारी चल रही थी, जिसमें हम 3 लेक्चर्स जो है अभी तक अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने RBI को एक्सप्लेन किया और हमने NDTL को हमने अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर दिया है। आज के लेक्चर की बात करें तो जिसमें आज हम CRR और साथ में SLR को जो है बहुत अच्छे से डेप्थ के अंदर एनालिसिस करेंगे, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि कितनी डेप्थ, मतलब UPSC जो मांगता है उसी चीज़ को यहाँ पे जो है हम देखने की जो है कोशिश यहाँ पर करेंगे। और मैं आपसे बस ये बोलूँगा कि ये सीरीज़ कम्प्लीट होएगी, क्योंकि इसी के बाद जो है हम इसको एज ए बुक फॉर्मेट में भी लेके आएंगे, और साथ में इसकी PDF जो है हमने अरोड़ा IAS हिंदी टेलीग्राम चैनल पर हमने जो है अपलोडेड कर रखे हैं, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं CRR को लेके। देखो दोस्तों, CRR का मतलब बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। यानी कि हमें ये पता चल गया कि नगद आरक्षित अनुपात होता क्या है। आपको यहाँ से एक फिगर के थ्रू ही आपको एनालिसिस करने को आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हैं और आप 1,000 रुपये बैंक के अंदर डिपोजिट करते हैं, तो बैंक क्या करता है, उसका कुछ अमाउंट 4%, 3%, ये डिपेंड करता है करंट सिचुएशन के हिसाब से। मैं बताऊंगा आगे कैसे करंट सिचुएशन होती है कैसे नहीं होती। हम मान के चलते हैं कि CRR की का जो रेशियो है वो है 4%। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे मान के चलें, अगर आप 1,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक क्या करेगा, 96, मतलब 1,000 रुपये बैंक के पास रहेंगे, लेकिन उसका 4% वो RBI को के पास या फिर अपनी तिजोरी के अंदर एज एक सेफ मॉड्यूल में रखेगा, ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई मतलब स्काइप हो जाता है, कुछ हाइक हो जाता है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये जो है एक अमाउंट जो है CRR का जो है रखते हैं। इसी को हम कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे, और ये सारा अमाउंट जो होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कैश में ही इसको जो है रखा जाता है। इसके अंदर कोई गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं मतलब के लिया जाता। कैश रिजर्व रेशियो में सिर्फ जो हम कैश ही वाला जो है अमाउंट होता है, हम उसी को जो है रखने की जो कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर ये हुआ कि आपने 1,000 रुपये बैंक को दिए, लेकिन इन फ्यूचर में अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो बैंक के पास सिर्फ 960 रुपये ही मिलेंगे। क्यों? बाकी का 40 रुपीज को जो है RBI में सबमिट करना पड़ेगा। तो यानी कि जो भी वो लोन लान देगा, तो वो 960 रुपये का देगा, ना कि वो 1,000 रुपये का देगा। इसी चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ही हम इसको मतलब कि देखने की जो कोशिश करते हैं। तो यानी कि हमें ये पता चला कि नगद आरक्षित अनुपात जो होता है, भारत में बैंकों को अपनी कुल जमा राशि जो इनको 960 रुपये ऐसे जमा राशि मिली, इसको हम कुल जमा राशि मान के चले, तो कुछ प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगदी यानी कि कैश में ही जो है बनाए रखना होता है। इनकी कुल जमा राशि का यह प्रतिशत नगदी आरक्षित या फिर इसके नाम से जो है जाना जाता है। आई होप आपको CRR का बेसिक समझ ये आ गया कि कुछ अमाउंट जो है जब हम RBI के पास एज ए कैश फॉर्म में जब हम रखते हैं, तो उसको CRR कहते हैं। कुछ अमाउंट अभी डिपेंड करता है, अमाउंट 4% है, 3% है, वो हम आगे थोड़े से आने मतलब आने PPTs में देखेंगे, लेकिन हमें ये पता चल गया कि जब कोई बैंक कुछ अमाउंट जब RBI के पास एज ए रिजर्व के तौर पर जब उसको रखता है, एज ए इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो उसको जो है हम CRR जो है कहते हैं। यहाँ तक समझ आया बेसिक? आई होप अभी तक कोई डाउट नहीं आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं नगद आरक्षित अनुपात के रूप में रखी गई राशि या तो RBI को भेज देता है या बैंक अपनी तिजोरी में रखता है। यानी कि पहले हमने पहले देखा कि RBI को भेज देता है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये RBI या फिर बैंक अपने ही तिजोरी में कहीं ना कहीं 4% के हिसाब से जो है अमाउंट रखता है। 4% कैसा है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी बस ये समझो कि जो CRR है, या तो वो RBI के पास सब भेज देगा, या फिर बैंक अपने पास जो है अपनी तिजोरी के अंदर यानी कि लॉकर के अंदर जो है उसको रखने की जो कोशिश यहाँ पर करेगा। CRR जो होता है बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी की मात्रा को, देखो लिक्विडिटी मतलब भाई कैश, मार्केट में कितना कैश की जो रिक्वायरमेंट है, कितने कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी चीज को यहाँ पर मात्रा को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा इस्तेमाल किया जाना एक उपयोगी साधन है। यानी कि RBI के द्वारा CRR मतलब कि उपयोगी साधन जो हमें देखने को मिलता है। अभी कैसे मिलता है, पहले इस चीज को समझते हैं, क्योंकि अभी तक जैसे हमने बेसिक्स को समझा, अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर लिक्विडिटी की मात्रा को कैसे ये नियंत्रित करता है RBI। यानी कि हमें ये समझना होगा कि RBI जो है वो लिक्विडिटी की मात्रा को कैसे जो है वो नियंत्रित करने की जो कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए अभी का जो कैश रिजर्व रेशियो है वो मान लीजिए हम मान के चलते हैं 5% है,
यानी कि अगर आप हैं, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप अगर मान लो बैंक के पास 100 रुपए लेके गए, तो बैंक ने क्या बोला, ठीक है भाई 100 रुपए डिपॉजिट किए, लेकिन उसको 5%, यानी कि इसका 5% कितना हो गया, 5 रुपए आरबीआई को देना पड़ेगा या फिर तिजोरी में रखना पड़ेगा, यानी कि बैंक के पास जो है 95 रुपीज जो है इस समय सबमिट है, जो भी लोन वोन घुमाएगा वो इस पे, मतलब फिलहाल इसी पे घुमाएगा। भाई इकोनॉमी के अंदर पता चला कि इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब मैंने ऑटोमेटिक आपको बहुत डिटेल में समझाया है, पिछले लेक्चर्स को देखिएगा। इन्फ्लेशन चल रहा है यानी कि मुद्रा स्फीति जिसको हम कहते हैं, वो हमारा भी काफी जोरों शोरों पर चल रहा है। तो आरबीआई ने बोला कि भाई ठीक है भाई, हम कैश रिजर्व रेशियो को अब जो है 5% की जगह अब जो है हम मान लो 7% कर देंगे, यानी कि अब जो बैंकों को जो मेंटेन करना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं 7% के हिसाब से जो है मेंटेन जो है यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, आप बैंक के पास गए, 100 रुपये आपने सबमिट किए, बैंक ने 100 रुपये उठा लिए, लेकिन उसका 7%, 100 रुपये का 7% कितना हो गया, 7 रुपीज, यानी कि इसने आरबीआई के पास जो है सबमिट कर दिया 7 रुपीज, और अब बैंक के पास 93 रुपीज ही जो है बैंक को लोन देने के लिए मिलेगा। हालांकि ये अमाउंट आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, जैसे एग्जाम्पल समझाने के लिए, ऐसे ही कितने सारे बैंक्स हैं 18 प्लस बैंक्स के साथ भी, मतलब कि यही हमें जो है देखने की सिचुएशन मिलेगी, और ये अमाउंट जो है करोड़ों और लाखों रुपए में जो है मतलब कि पहुंच जाता है, लाख करोड़ में जाके ये अमाउंट पहुंचता है। तो यानी कि अगर आरबीआई 1% ऊपर नीचे कर दे तो करीब लिक्विडिटी से 80,000 करोड़ रुपए ऊपर से नीचे हो जाते हैं, इतना फर्क हमें जो है देखने को मिलता है। तो यानी कि हमें ये पता चला, जब बैंक अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, अपने रेट्स को यानी सीआरआर को इंक्रीज कर देगा, भाई 4% के हिसाब से 5% कर देगा। अगर वहीं पे मंदी चल रही है, मंदी का मतलब रोजगार नहीं है, बिजनेस में काम ही नहीं आ रहा है, तो बिजनेस वालों को प्रमोट करने के, ताकि वो लोग लोन लें और आगे अपना व्यवसाय करें, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, सीआरआर को 1% कम कर देगा। तो अब जब सीआरआर को परसेंट को कम करेगा, तो भाई मान लो यहाँ पर 5% का एग्जाम्पल लेता, मान लो 4% कर देगा, तो भाई 94 हो गया, 94 हो गया तो 1% भाई इसको, सॉरी 96 हो गया, तो 1 रुपया इसको ज्यादा मिल गया, तो आगे लोन घुमाएगा। तो इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं इस टर्म में हमें ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं एक तरह से मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी कि कंक्लूजन हमारा, क्रक्स अगर हम बात करें सीआरआर पे, अभी फिलहाल जो देखें, हमें ये देखने को मिला कि जब भी इन्फ्लेशन होगा, बस इस चीज को याद रखो, अगर सीआरआर को अगर वो इंक्रीज कर देगा, अगर इन्फ्लेशन होगा तो सीआरआर को इंक्रीज कर देगा, और अगर कोई मुद्रास्फीति होगी, सॉरी मंदी होगी, तो उसमें जो है सीआरआर को वो डिक्रीज कर देगा। यहां तक समझ आया, ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि देखो दोस्तों किताबों में सब कुछ है, लेकिन आप मेरे लेक्चर्स क्यों देख रहे हो, समझने के लिए देख रहे हो, तो चीजों को समझो, लिखने से ज्यादा पहले चीजों को समझो। इसके बाद यानी कि हमें यह पता चला कि नगद आरक्षित अनुपात का मतलब, हमें यहां पे यही समझ आता है कि सरल शब्दों में सीआरआर या नगद आरक्षित अनुपात नकदी का प्रतिशत है जिसे बैंक को अपनी कुल डिपॉजिट की तुलना में रिजर्व बैंक में रखना होता है, जिसे तकनीकी रूप से शुद्ध मांग और समय देयता, यानी कि एनडीटीएल, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, और सीआरआर दर में बदलाव करके आरबीआई जो होता है मुद्रास्फीति को अपने वांछित स्तर पर रखने और बैंकिंग प्रणाली में पैसे के प्रभाव को जो है नियंत्रित या मॉनिटरिंग करने के लिए ये सारी चीजें जो है करता है। यानी कि हमें ये पता चला, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सीआरआर पे कोई कैप नहीं है। कैप का मतलब ये होता है कि देर इज नथिंग एज ए मिनिमम रेट, जो डिपेंड करेगा सीआरआर ये करंट सिचुएशन के हिसाब से चलता है। यानी कि ये नहीं कि सीआरआर का भाई मैं इतने मिनिमम इतने परसेंट पे रख सकता है, मैक्सिमम इतने पे रखता है, नहीं, देर इज नो कैप ऑन फिक्सिंग आरआरआर, इट कुड एनी परसेंटेज। यानी कि यहाँ पे समझ आया कि सीआरआर में कोई भी परसेंटेज जो है लिया जा सकता है, और उसके कोई भी फिक्सिंग का मतलब कि सीआरआर पे जो है हमें कुछ भी मतलब फिक्स नहीं है। समझ आया, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यानी कि सीआरआर के उद्देश्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें ये पता चलता है कि बैंक लिक्विडिटी बनाए रखना, समझिएगा, बैंक को लिक्विडिटी बनाए रखना, यानी कि बैंक के एक तरह से लिक्विडिटी को एक तरह से बनाए रखना जो है सीआरआर का जो उद्देश्य हमें देखने को मिलता है। लिक्विडिटी कैसे, आरबीआई बैंकिंग नियामक की क्षमता में लिक्विडिटी के स्तर को नियंत्रित करने और निगरानी करने की जिम्मेदारी रखता है। भाई मार्केट में लिक्विडिटी चेक कैसे चल रही है, लोगों पर ज्यादा पैसा तो नहीं, अगर ज्यादा पैसा तो सीआरआर बढ़ा देगा, कम पैसा है तो सीआरआर को घटा देगा, इस चीज को जो है जो चेक करता है वो बेसिकली आरबीआई ही जो है हमें करता है। तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीआरआर के द्वारा प्रणाली से लिक्विडिटी को बाहर निकालना है या फिर लिक्विडिटी को डालना है, ये सारे काम जो सीआरआर के थ्रू है जो है कुल मिलाकर करे जाते हैं। यानी कि वही मैंने आपको समझाया था, इन्फ्लेशन होगा तो सीआरआर को बढ़ा देगा,
अगर मंदी होगी तो शेयर को घटा देगा, तो ये सारे काम जो करेगा वो कौन करेगा बॉस, वो करेगा आरबीआई। यानी कि हमें ये भी पता चला कि यदि आरबीआई प्रणाली में अधिक लिक्विडिटी डालना चाहता है तो यह सीआरआर को कम कर देगा और बैंकों को अपने ग्राहकों को लोन देने के लिए अधिक लिक्विडिटी के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं अगर वो सिस्टम से लिक्विडिटी को निकालना चाहता है, लिक्विडिटी माने पैसे की तरलता, यानी इसको हम बोलते हैं पैसे की तरलता को जब वो निकालना चाहता है तो सीआरआर को जो है बढ़ा देगा। यानी कि भाई जब सीआरआर बढ़ जाएगा तो लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी। क्यों भाई? बैंकों के पास पैसा कम पहुंचा तो भाई बैंक इंटरेस्ट रेट हाई करेंगे तो भाई कोई आदमी पैसा नहीं लेगा, तो इसके कारण जो सीआरआर का जो रेट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें कि हम देखें तो उद्देश्य में देखने को मिलती। साथ में बैंकों को दूसरा पॉइंट देखें तो बैंकों को वित्तीय सेहत को भी बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण जो साधन है सीआरआर का जो देखने को मिलता है। यानी कि चूंकि बैंक सीआरआर को बैंकिंग नियामक के पास जमा रखते हैं और वह इस फंड का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब उनके ग्राहक बड़ी मतलब कि बड़ी निकासी करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जब कोई बड़े अमाउंट की जब जरूरत पड़ती है तो तभी जो है वो बैंक वाले जो है लाइक सीआरआर का उपयोग करते हैं। नगद आरक्षित अनुपात बैंकों को ऐसी स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने में सहायता करता है क्योंकि आरबीआई के पास रखा गया नगद रिजर्व यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपने ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए नकदी की कमी से ना जूझ सके। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है दोस्तों, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसमें कोई खास कोई बात नहीं क्योंकि मैं ऑटोमेटिक आपको समझा चुका हूं। अब आते हैं सीआरआर के महत्व के ऊपर। सीआरआर के महत्व की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं एक तरह से अगर बात करें तो सीआरआर देश में मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा स्फीति के स्तर को नियंत्रित करता है। भाई जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, इन्फ्लेशन में बढ़ा देगा, डिप्रेशन में जो घटा देगा, तो एक तरह से अगर हम देखें तो मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा स्फीति के स्तर को जो नियंत्रित करता है। उस सीआरआर आरक्षित राशि की सुरक्षा मतलब सुनिश्चित करता है क्योंकि बैंकों की जमा राशि की विशिष्ट राशि रिजर्व बैंक के पास संग्रहित की जाती है जो ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार आसानी से उपलब्ध हो सके। फॉर एग्जाम्पल बैंक डिफॉल्ट हो गए तो क्या होगा, सीआरआर के थ्रू जो है वो फिर लोगों को जो पैसा दे दिया जाता है। तो हमें ये भी पता चला कि एक तरह से सुरक्षा की नजर से भी देखें ग्राहकों की तो सीआरआर का एक अपना महत्व होता है और साथ में मुद्रा आपूर्ति की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी जो है अपना एक महत्व जो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। फिर उच्च अगर हम उच्च मुद्रा स्फीति के दौरान सीआरआर की भी प्रमुख भूमिका हमें देखने को मिलती है। उच्च मुद्रा स्फीति के दौरान भारतीय रिजर्व बैंकों के पास उपलब्ध धन की मात्रा को कम करके सीआरआर दर बढ़ाता है और यह अर्थव्यवस्था में धन के अतिरिक्त प्रवाह को जो है कम करता है। धन की आवश्यकता के दौरान सरकार निवेश के लिए विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों को ऋण प्रदान करने में बैंकों की मदद करने के लिए भी सीआरआर की दर को जो है कम कर सकती है और सीआरआर की कम दर भी अर्थव्यवस्था के विकास दर को बढ़ाती है। कि जब भी सीआरआर की दर अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की जो है विकास दर भी ज्यादा होगी। इसलिए होगी क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे तो जीएसटी देंगे, जीएसटी देंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फंड्स मिलेगा, तो जब फंड्स मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रोथ रेट जो होगी वो ज्यादा इंक्रीज होगी। तो जिसके कारण हमें ये पता चला कि सीआरआर की अगर मात्रा कम होती है तो विकास की दर बढ़ेगी। तो यहाँ में एक रिलेशन ये मिला कि अगर सीआरआर अगर बढ़ता है तो विकास दर जो होगी, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत कम होगी। ये एक हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन है, यही मुझे समझाना था कि सीआरआर अगर बढ़ता है तो विकास दर जो होगी वो कम होगी, इस चीज को याद रखिएगा। और अगर सीआरआर अगर घटता है तो विकास दर जो होगी वो बढ़ेगी। क्यों? यहाँ पर जो है चीप लोन्स हो जाएंगे, यहाँ पर महंगे लोन हो जाएंगे, तो जिसके कारण हमें ये एक रिलेशनशिप हमें जो देखने को मिलता है। तो मैंने आपको दो रिलेशनशिप समझाए, इन द केस ऑफ मुद्रास्फीति और एक आपको जो केस समझा विकास दर के हिसाब से, क्योंकि अगर एमसीक्यू भी बनेगा तो इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है बनेगा, इससे ज्यादा जो है कुछ खास नहीं बनेगा। तो यानी कि बैंक जो है कॉर्पोरेट से व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को सीआरआर का पैसा उधार नहीं दे सकते, बैंक उस पैसे का इस्तेमाल निवेश उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकते और बैंक उस पैसे पर कोई भी ब्याज नहीं कमाते। यानी कि जो सीआरआर के ऊपर अगर बात करें तो जो बैंक होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ब्याज जो है नहीं कमाता है। यानी कि जो सीआरआर के ऊपर ध्यान रखिएगा कि जो ब्याज जो होता है वो भी कोई बैंक नहीं कमाता है, ये इनका मैंडेटरी क्लासिफिकेशन है जो इनको जो है ध्यान में रखना जो है होता है। अगर जैसे कि आज 18 तारीख है तो आज अगर मैं वर्तमान सीआरआर रेट की बात करूं तो भारत में सीआरआर की जो दर है वो करीब 4.5% है। यानी कि हमें ये पता चलता है कि दोस्तों कि अगर बैंक अगर 100 रुपये रखता है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट होते हैं तो आरबीआई के पास 4.5 रुपये नगद रूप में रखने पड़ेंगे। आज अगर 18 अगस्त की अगर बात करें तो उसके हिसाब से जो है 4.5% जो है जो आपका जो है सीआरआर रेट जो हमें जो देखने को मिलता है। यानी कि हमें यह पता चला
कि आरबीआई को 4.5 रुपये जो यहाँ पे रखने होते हैं आरबीआई के पास। देखिए वर्तमान सीआरआर दर दर्शाता है कि बैंक ग्राहकों की जमा राशि का कुछ निश्चित प्रतिशत हमेशा आरबीआई के पास जो सुरक्षित रखता है और उनके बैंक की वित्तीय सेहत जो है कमजोर हो जाती है। भले ही चाहे उनके बैंक की वित्तीय सेहत अगर कमजोर भी हो जाए तो भी जो है उनको जो सीआरआर का जो है मेंटेन रखना पड़ता है। अदरवाइज अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो उन पर फाइन पड़ता है। कंसिस्टेंसी अगर फाइन करेंगे तो आरबीआई हो सकता है उनको ब्लॉक भी कर दे। तो ये पता चल रहा है, जैसे कि आप देखें स्क्रीनशॉट में देखें जो मैंने गूगल से निकाला है, अगर आप रिजर्व बैंक को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि सीआरआर का रेट हमारा 4.5% के हिसाब से हमें देखने को मिलता है और एसएलआर का जो रेट है 18% जो हमें देखने को मिलता है। अब समझते हैं यहाँ पर कि दोस्तों भारत में नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर दर कौन तय करता है। यहाँ पे हमें दोस्तों ये पता चलता है कि भारत में नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर जो मौद्रिक नीति समीक्षा के द्वारा आरबीआई की 6 सदस्य मौद्रिक नीति समिति द्वारा जो तय किया जाता है। यानी कि हमें यह पता चला कि जो ये सीआरआर जो तय करता है वो कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान आरबीआई की 6 सदस्य मौद्रिक नीति समिति द्वारा जो है तय किया जाता है। और नगद आरक्षित अनुपात जो होता है आरबीआई के पास लिक्विडिटी मैनेज करने और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए संसाधनों में से एक हमें जो है देखने को मिलता है। आई होप आपको डिटेल में बताया मैंने, यानी क्रक्स में ये निकला, क्रक्स में समझो, क्रक्स में ये हुआ कि पहली बात सीआरआर को नगद में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, ये बात समझ आएगी। सीआरआर करीब 4-5% के हिसाब से मेंटेन रखा जाता है, इसके ऊपर देर इज ए नो कैप, हमें ये भी पता चलता है। साथ में ये भी पता चलता है कि इन्फ्लेशन में अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही हो तो सीआरआर को ज़्यादा कर दिया जाता है, मंदी आ रही हो तो उसको कम कर दिया जाता है। विकास दर में इसका अपोजिट रिलेशनशिप मिलता है, अगर विकास दर बढ़ानी हो तो सीआरआर को कम करना पड़ेगा और अगर विकास दर घटानी है तो हमें सीआरआर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब हमें यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप और यहाँ पर भी जो हमें इन्वर्स रिलेशनशिप जो है हमें देखने को मिलता है। और ये जो सीआरआर है ये बेसिकली नगद में जो है इसको एज ए लीगल फॉर्म में जो है रखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसके बाद जो है लाइक नेक्स्ट टॉपिक में जो हम एसएलआर को तो समझेंगे, क्योंकि एसएलआर को भी काफ़ी डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि एसएलआर की वीडियो हम दोबारा बनाएंगे तो एसएलआर को अच्छे से जो है उस पॉइंट के अंदर जो समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।